आज का क्लास होगा HTML और इस HTML को एक और नाम से हम लोग जानते हैं वेब डिजाइन। ठीक है, तो वेब डिजाइनिंग हम लोग कैसे करते हैं, तो उसके लिए क्या करना होता है कि एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है, जो प्रोग्राम हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए HTML और इसको हम स्लैश देके लिख रहे हैं आपका वेब डिजाइन। ठीक है, वेब मतलब हो गया आपका इंटरनेट और डिजाइन तो समझ ही रहे होंगे कि इंटरनेट पर हम लोग डिजाइन कैसे करते हैं वो हम लोग सीखेंगे, और वो जिस कोड का यूज करते हैं वो आपका क्या कहलाता है, आपका HTML। ठीक है, यानी HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी क्या है कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है इंटरनेट के पेज पर डिजाइन करने के लिए। इसका अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफिनेशन लिख लेते हैं। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, यानी HTML क्या है, पूरा नाम आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक है, तो यहां से क्या लिखे कि इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी HTML क्या है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एंड यूज टू क्रिएट इंटरनेट पेज डिजाइन, और इसका जो यूज होता है वो इंटरनेट का जो पेज डिजाइन होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, सॉरी HTML का यूज करते हैं। तो HTML क्या है ना कि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो क्या है कि एक सॉफ्टवेयर नहीं है। अभी तक हम लोग क्या करते आए कि जितना भी सारा वर्क किए वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर, यानी कहने का मतलब क्या है कि अभी तक हम लोग कंप्यूटर पर जितना भी सारा काम किए एक सॉफ्टवेयर पर किए। ठीक है, चाहे वो सॉफ्टवेयर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो चाहे वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे HTML पर काम करेंगे। तो HTML क्या है कि यह कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसका यूज होता है इंटरनेट के पेज पर डिजाइन करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रोग्राम आपका हम लोग बनाएंगे, तो प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दो एप्लीकेशन का यूज करते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला एप्लीकेशन है आपका यहाँ से नोटपैड और दूसरा एप्लीकेशन है आपका यहाँ से इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो एक्सप्लोरर जो ये है ये एक ब्राउजर है, और देखे होंगे आपके मोबाइल पर कंप्यूटर पर सारे सिस्टम पर भी क्या होता है ना कि आपका एक डिफॉल्ट ब्राउजर होता है जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं नेट ओपन करते हैं। तो जो ब्राउजर होता है जिसके जरिए हम नेट ओपन करते हैं वो आपका क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। और इसके अलावा और भी होता है, जैसे गूगल क्रोम होता है, यूसी ब्राउजर होता है, उन सब ब्राउजर का भी हम लोग यूज करते हैं नेट चलाने के दौरान। लेकिन अभी हम लोग क्या करना है कि जब तक हम लोग HTML पे वर्क करेंगे तब तक हम लोग क्या करेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर का यूज करेंगे। तो इस ब्राउजर का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि हमको इस पर जो भी सारा प्रोग्राम हम नोटपैड पर बनाएंगे ना, वो सारा प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा, जो डिजाइन होगा, वो हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर पर जाकर देखेंगे। तो नोटपैड में हम लोग क्या करेंगे कि प्रोग्राम बनाएंगे, और प्रोग्राम बनाने के बाद उस प्रोग्राम को हम लोग क्या करेंगे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर पर लेके जाएंगे, नहीं इंटरनेट के पेज पर लेके जाएंगे। और इंटरनेट के पेज पर लेके जाने के बाद क्या होगा कि जैसा आप यहाँ पर प्रोग्राम बनाएंगे वैसा आपका क्या होगा, यहाँ पर डिजाइन शो करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग छोटा सा बेसिक सीखेंगे, धीरे धीरे हम लोग प्रोग्राम को क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि इंटरनेट के पेज पर जितना भी कुछ दिखाई देता है वो सारा आपका डिजाइन किया जाता है, यानी पेज पर आपका फोटो दिखे, टेक्स्ट दिखे, वीडियो दिखे, जो भी एनिमेटेड आपका टेक्स्ट दिखे वो सारा आपका क्या होता है, डिजाइन किया जाता है। और डिजाइन कैसे किया जाता है, तो उसके लिए एक प्रोग्राम बनाया जाता है, और वो प्रोग्राम कहाँ पर होता है आपका, नोटपैड पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नोटपैड कैसे ओपन करते हैं, प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, कैसे सेव करते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। और इसके बाद हम लोग उसको इंटरनेट पर कैसे लेके जाते हैं,
ठीक है, वो हम लोग सीखेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, ऑफलाइन काम करने सीखेंगे। यानी सबसे पहले क्या है ना कि कंप्यूटर आपका ऑनलाइन ना हो, यानी ऑफलाइन ही हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन को देखेंगे। ठीक, तो ज्यादा यूज इन सब का कहां पर होता है, तो जो वेबसाइट क्रिएटर होता है ना, जो वेबसाइट बनाता है, वो क्या होता है कि किसी भी वेबसाइट पर कॉन्टेंट डालने के लिए क्या करता है, जो प्रोग्राम का यूज करता है। तो प्रोग्राम हम लोग कैसे पढ़ेंगे वो भी सीखेंगे, और कैसे वहां पर लेके जाते हैं हम लोग वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो है नोटपैड हेडिंग डालिए, ठीक है, सबसे पहले नोटपैड हेडिंग डालिए कि नोटपैड ओपन कैसे करते हैं, और इसके बाद हम लोग प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो नोटपैड क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को नोटपैड ओपन करने सीखना है। ओपन करेंगे, इसके बाद हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। तो नोटपैड ओपन करने के लिए आप इस प्रोसेस का यूज कर सकते हैं, स्टार्ट और प्रोग्राम, और हम लोग उसी एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं जो आपके सिस्टम पर होता है। यानी जितना भी कंप्यूटर लोग चलाते सबके सिस्टम पे नोटपैड भी मौजूद होता, और इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर भी मौजूद होता है, और इसके अलावा जैसे गूगल क्रोम और यूसी ब्राउजर जो हम बात किए, वो आपके सिस्टम पर हो चाहे ना हो, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके सब सिस्टम पर होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि नोटपैड का बनाया हुआ प्रोग्राम हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर पर ही जाकर देखेंगे। ठीक है, तो ओपन करने के लिए स्टार्ट और प्रोग्राम में जाइए, और इसके बाद यहां से एसोसीरीज, और इसके बाद नोटपैड इन क्लिक, नोटपैड पे क्लिक कीजिए। जैसे नोटपैड पे क्लिक करेंगे आपका क्या होगा, नोटपैड ओपन होगा। एक और प्रोसेस है, उसके जरिए भी हम लोग ओपन कर सकते हैं, रन बॉक्स के जरिए। रन बॉक्स में आप डायरेक्ट जाके क्या करना होगा, नोटपैड लिखिए, और जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो नोटपैड आपका क्या होगा, ओपन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब आप स्टार्ट और प्रोग्राम एसोसिएटेड नोटपैड पे क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, और या तो रन बॉक्स में जाकर वहां पर डायरेक्ट आप नोटपैड टाइप कीजिए, और इंटर प्रेस करने से आपका नोटपैड ओपन होगा। जैसे ही नोटपैड ओपन होगा तो आपके सामने क्या होगा कि एक एप्लीकेशन दिखेगा। ठीक है, और ये जो नोटपैड ओपन करेंगे तो आपके सामने जो ये दिखाई देगा, ये आपका क्या होगा, पेज होगा, और इसी पेज पर क्या करना है कि हम लोग को प्रोग्राम बनाना है। इसी पेज पर हम लोग को क्या करना है, प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, प्रोग्राम कैसा बनेगा वो हम बताएंगे, अभी हम लोग ओपन करने सीख रहे हैं। तो जैसे प्रोग्राम इस पर बनाना है, तो प्रोग्राम बनाने के बाद क्या करना है, इसको सेव करना है। यानी फाइल सेव करने के लिए जानते होंगे, फाइल में जाना है, इसके बाद सेव पर जाइए, और वहां पर आपको क्या करना है ना कि जिस नाम से सेव करना है वो नाम आपको क्या करना है, फाइल में लिखना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो भी आप यहाँ पर नाम लिखेंगे उस नाम के साथ .html लिखना है या .stm लिखना है। यानी क्या, इससे क्या बेनिफिट होगा कि जब हम डिफॉल्ट जब राम नाम नोटपैड के फाइल को हम सेव करेंगे ना, तो वो नोटपैड एप्लीकेशन में जाके सेव होता है, यानी वो नोटपैड का फाइल बनता है। लेकिन हमको क्या करना है कि ये जो सेव करेंगे ना, ये जो प्रोग्राम है, इसको हमको इंटरनेट के पेज पर लेके जाना है। इसका मतलब क्या है कि उसका एक्सटेंशन हमको बदलना होगा, क्योंकि कोई भी फाइल किसी दूसरे फाइल में ओपन नहीं होता है। इसका मतलब है कि कोई कंप्यूटर का कोई भी फाइल किसी दूसरे एप्लीकेशन में ओपन नहीं होता है। अगर आपको ओपन करना होगा तो उसके लिए एक्सटेंशन क्या है, बदलना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, दैट सोहन नाम से सेव कर देंगे तो नोटपैड में सेव हो जाएगा, और नोटपैड का फाइल हम इंटरनेट पर लेके नहीं जा सकते। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि नोटपैड नाम, नोटपैड में नाम के साथ .html लगा देने से क्या होता है कि अब ये जो फाइल है वो आपका नोटपैड में सेव नहीं हुआ। ठीक है, अब वो किसका फाइल बन गया, .html यानी इंटरनेट का, और जब इंटरनेट का फाइल बन गया तो हम उसमें आसानी से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना करना है कि नोटपैड ओपन करना है, इसके बाद आपको इसमें प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम बनाने के बाद आपको क्या करना है, सेव करना, और सेव करने के साथ .html डालिए, और इसके बाद सेव करना। इससे क्या होगा कि आपका एक प्रोग्राम सोहन नाम से सेव हो गया, और अब हमको क्या करना है, इंटरनेट के पेज पर जाकर देखना है। तो इंटरनेट के पेज पर कैसे ओपन करते हैं वो लिखिए।
इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, यानी इसी ब्राउजर पे हम लोग क्या करेंगे कि जो भी नोटपैड में प्रोग्राम बनाएंगे और उस पर देखने वाले हैं। तो पहले इसको क्या करना होगा, ओपन करना होगा, और ओपन करने के लिए आप यहाँ से स्टार्ट पर जाइए, ऑल प्रोग्राम पे जाना है, और इसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर इंफिनिटी, ठीक है, यानी स्टार्ट और प्रोग्राम और इसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ओपन होगा। और ये भी एक और प्रोसेस है कि इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि रन बॉक्स के जरिए लिख सकते हैं। तो आपको रन बॉक्स के जरिए अगर ओपन करना होगा तो आपको लिखना होगा IEXPLORE, यानी रन बॉक्स के जरिए अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करना होगा तो रन बॉक्स में आपको लिखना है IEXPLORE, यानी आई एक्सप्लोरर लिख के जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन होगा। और जैसे ही ओपन होगा तो अब हमको क्या करना है कि जो रन बॉक्स में जो सेव किए सॉरी नोटपैड में जो सेव किए हुए थे ना उसको क्या करना है, हमको इस फाइल में लाना है। तो उसमें सेव जो किए थे तो उसमें लाना है। लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ओपन मेनू का यूज करते हैं ना। तो यहाँ से फाइल ओपन पे जाइए, ओपन ओपन में जाने के बाद आपको यहाँ से ब्राउज पे जाना है। जैसे ब्राउज पे जाएंगे तो जो जितना भी सारा सेव किया हुआ फाइल होता है ना वो सारा आपका जो है एक बॉक्स में मिलेगा। तो उसमें क्या करना है कि जिस नाम से आप सेव किए हैं उस नाम को क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, यानी सेलेक्ट यानी फाइल। तो आप सोहन नाम से सेलेक्ट किए तो सोहन को सेलेक्ट कीजिए, और इसके बाद यहाँ से ओपन, और इसके बाद क्या करना है ओके। जैसे ओके कीजिएगा तो जो भी आप डिजाइन सॉरी जो भी आप वहां पर प्रोग्राम बनाए होंगे उस अनुसार से आपका क्या होगा, यहाँ पर डिजाइन शो करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि नोटपैड पर प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, और जो भी प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे उसको हम लोग कहाँ पर देखने वाले हैं, इंटरनेट के पेज पर। वो भी इंटरनेट का जो पेज होना चाहिए ना वो हम लोग डिफॉल्ट मतलब ऑफलाइन हम लोग देखने वाले हैं, अभी हम लोग ऑनलाइन काम नहीं करेंगे। यानी जो भी प्रोग्राम बनाएंगे उसका जो रिजल्ट देखेंगे वो आपका ऑफलाइन, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोग्राम जो कि एक बेसिक है, मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं कि ये नहीं, लेकिन एक प्रोग्राम का एक फॉर्मेट कैसा होना चाहिए वो आप देखिए। तो सबसे पहले आपको यहां से क्या करना है कि HTML, तो HTML जब भी हम लोग ये जो लिखे ना तो ऐसा जो ब्रैकेट दे रहा है ये आपका इन्हीं ब्रैकेट के अंदर ऐसे लेस देन और ग्रेटर देन है, और इसके अंदर जो भी हम लोग कुछ लिखेंगे ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, टैग कहते हैं, TAG टैग, यानी कमांड भी बोल सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम लोग HTML में क्या बोलते हैं, टैग बोलते हैं। और प्रोग्राम में जितना भी तरह का काम करना होता है यानी पेज पर जितना भी तरह का बदलाव करना होता है हर बदलाव के लिए आपको अलग अलग टैग का यूज करना होगा। तो यानी एक चीज और भी समझ लीजिए, तो जो भी इस तरह का ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो वो क्या होगा, वर्क करेगा, ठीक है। यानी जैसा जैसा आप कोड लिखेंगे जैसा जैसा टैग लिखेंगे वो वर्क करेगा, बस इंटरनेट के पेज पर शो नहीं करेगा। और जो चीज आप जो टेक्स्ट आप विदाउट टैग यानी ब्रैकेट के बाहर आप लिखते हैं वो आपके इंटरनेट के पेज पर शो करेगा। तो हमको किसी भी तरह का बदलाव किसी भी तरह का एडिट करना होता है तब हम लोग क्या करते हैं, टैग का यूज करते हैं। आगे हम बताएंगे कौन कौन सा टैग का यूज कैसे होता है। तो अभी एक सिंपल सा प्रोग्राम देखिए, ये HTML लिखे और इसके बाद टाइटल, टाइटल मतलब क्या है कि इंटरनेट का पेज जब हम ओपन करेंगे तो उसका टाइटल बार कैसा होना चाहिए या टाइटल बार में क्या लिखा हुआ रहना चाहिए वो हम लोग टाइटल टैग के जरिए शो करेंगे। तो टाइटल में मान के चले कि हम यहाँ से लिख दिए NIC, टाइटल को यहाँ से बंद कर दिए, यानी इसका मतलब किसी भी टैग को जो बंद किया जाता है वो स्लैश लगा के बंद किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखे टाइटल देखे कि हम ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं और ये जो NIC है वो हम बिना ब्रैकेट का लिखे वो ऐसे ही लिखे हैं। तो ये जो NIC है इसके पहले टाइटल लगाने का मतलब ये NIC जो शो करेगा इंटरनेट के पेज पर वो टाइटल बार में शो करेगा। टाइटल बार क्या होता है, जो सबसे ऊपर जो स्क्रीन पर दिखाई देता है ना वो टाइटल बार होता है। तो यानी NIC जो है वो टाइटल बार पर शो करेगा। और अब आगे किसी भी टेक्स्ट को टाइटल बार में शो ना करे इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, स्लैश लगा कर उसको बंद करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई इफेक्ट देना होगा तो टेक्स्ट से पहले हम लोग टैग लगाएंगे
और टेक्स्ट के बाद हम लोग टैग को बंद करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये तो दो लाइन हो गया, और ये दो लाइन समझिए कि आप प्रोग्राम में दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक प्रोग्राम में दे देने से क्या होता है कि प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है वो सटीक होता है, ठीक है। अब देखिए अब हमको क्या करना है कि मान के चले कि कोई हमको जो है टेक्स्ट पर किसी तरह का बदलाव करना है। जैसे बदलाव क्या कि हम यहां से सोहन लिखे, तो सोहन तो ये क्या होगा नॉर्मल हो गया। अब हमको इसमें बदलाव करना है तो जैसे वर्ड एक्सेल में आप पढ़े होंगे कि जैसे बोल्ड करना होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है, कलर चेंज होता है, साइज चेंज होता है, लैंग्वेज चेंज होता है, वो सारा काम हम लोग इसमें कर सकते हैं। या ऐसे समझिए कि इंटरनेट आप चलाते होंगे तो इंटरनेट के पेज पर जितना भी कुछ दिखाई देता है ना वो सारा काम आप यहाँ पर प्रोग्राम पर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर दिखाई देता है तो इसका मतलब उसके लिए प्रोग्राम बना होगा और प्रोग्राम में हम लोग वो सारा काम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि मान के चलिए ये सोहन है, इसको क्या करना है ना कि हमको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है। तो बोल्ड करने के लिए क्या होता है ना कि यहाँ से हम बी टेक का यूज करेंगे, ठीक है। यानी बी टेक से क्या होता है बोल्ड होता है, यानी जिस भी टेक्स्ट को यहाँ पर हम बीच में टेक्स्ट जोड़ दिए, यानी किसी भी टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना होगा तो उस टेक्स्ट से पहले हम लोग यहाँ से बी टेक का यूज करेंगे। तो जैसे बी टेक किए इसका मतलब ये टेक्स्ट क्या हो गया आपका बोल्ड हो गया। अब आगे किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड नहीं करना है तो हम यहां से क्या कर देंगे स्लेस लगा के बी टेक को बंद कर देंगे। यानी बी टेक ये लिखे लेकिन उसके पहले हम क्या दे दिए यहां पर स्लेस दे दिया, और स्लेस दे देने का मतलब क्या हो गया कि अब ये बोल्ड जो है क्लोज हो गया, अब आगे किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड नहीं करेगा। इसके बाद फिर क्या होगा इटैलिक करना होगा, इटैलिक आई से क्या होता है इटैलिक, ठीक है, यानी तिरछा करने के लिए यूज होता है। तो इस टेक्स्ट को अगर क्या करना होगा कि इटैलिक करना होगा, तिरछा करना होगा, तो हम उसके पहले आई टेक का यूज करेंगे, बाद में किसी को नहीं करना है तो आई इसको बंद कर दीजिए, तो आगे किसी भी टेक्स्ट को तिरछा नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका यू से होता है अंडरलाइन, अगर किसी भी टेक्स्ट के नीचे लाइन देना होगा तो टेक्स्ट से पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ से यू टेक का यूज करेंगे, तो क्या कर देगा इस टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देगा। आगे किसी भी टेक्स्ट को अगर अंडरलाइन नहीं करना है तो आप स्लैश लगा के क्या कर लीजिए बंद कर दीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब बी टेक का काम बोल्ड करने के लिए, आई टेक का काम इटैलिक करने के लिए, और यू टेक का काम अंडरलाइन करने के लिए। और एक टेक और इंपॉर्टेंट है आपके यहां से बी आर, बी आर का काम क्या होता है न्यू लाइन, न्यू लाइन आप बोल सकते हैं या लाइन चेंज करना भी बोल सकते हैं। यानी अगर आपको लाइन चेंज करना होता है तो हम लोग क्या है किसका यूज करते हैं बी आर टेक का यूज करते हैं, और जब अगर जरूरत ना पड़े तो हम उसको डायरेक्ट क्लोज भी कर सकते हैं, स्लैश लगा के बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये इनका यूज हम प्रोग्राम पे कैसे करते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए कि हम लोग को क्या करना है कि ये जो सोहन है ना, सोहन है इसको क्या करना है बोल्ड करना है, ठीक है। तो प्रोग्राम में हम क्या करेंगे यहां पर ये आपका तो अलग हो गया, ये तो चलिए कि कोड है हम इसको समझा दिए। अब इसको क्या करना है कि हमको प्रोग्राम में सोहन को क्या करना है सिर्फ बोल्ड करना है, तो सोहन से पहले हम क्या करेंगे यहां से बी टेक का यूज करेंगे, और सोहन हो गया यानी सोहन को बोल्ड करेगा। अब आगे किसी को बोल्ड नहीं करना है तो यहां से स्लैश लगा के बंद कर दीजिए, स्लैश लगा के बंद कर दीजिए। इसके बाद अगर लगता है कि इस प्रोग्राम में और भी कोई टेक्स्ट है, जैसे मान के चले मोहन भी है, लेकिन मोहन उसके नीचे लाइन में, यानी करने का मतलब क्या है कि जब इंटरनेट के पेज पर हम जाएंगे तो सोहन शो करना चाहिए, ठीक है, बोल्ड में, और उसके नीचे लाइन में जो है ना मोहन शो करना चाहिए इटैलिक में। तो अब हमको क्या करना है कि यानी ऐसा क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि सोहन शो करे और ये बोल्ड में होना चाहिए और उसके नीचे मोहन शो करे ये इटैलिक में शो करना चाहिए और ये आपका बोल्ड में शो करना चाहिए। तो हम यहां से क्या करें सोहन के पहले बी टेक का यूज अलग कर दिए, तो सोहन आपका बोल्ड हो गया। इसके बाद स्लैश लगा दिए, क्यों स्लैश लगा दिए, क्योंकि हमको मोहन को बोल्ड नहीं करना है, नहीं करना है तो स्लैश लगा दिए, तो अब आगे किसी को बोल्ड नहीं करेगा। अब इसके बाद क्या करना है लाइन चेंज करना ना, क्योंकि मोहन उसके नीचे है, तो लाइन चेंज करने के लिए हम यहां से क्या कर लिए बी आर, तो बी आर से क्या होगा लाइन चेंज हो गया। और अब क्या करना है कि मोहन को इटैलिक करना है तो मोहन से पहले हम आई टेक का यूज करेंगे और यहां पर लिख देंगे मोहन,
यानी इसका मतलब यह कि किसी भी टेक्स्ट का यूज करेंगे तो टेक्स्ट से पहले यूज करते हैं और बाद में क्लोज करते हैं, ठीक है, बाद में बंद कर दिए। अब आगे कुछ और है? नहीं है, नहीं है तो यहाँ से बी आर जो ओपन किए थे, जिस टेक को ओपन किए थे उसको बंद भी करना है, तो बी आर ओपन किए थे तो बी आर क्लोज कर दिए। इसके बाद इटालिक तो बंद हो ही गया, बोल्ड भी बंद हो गया, टाइटल भी बंद हो गया, एक एस टी एम एल आपका ओपन था तो लास्ट में हम लोग एस टी एम एल भी क्लोज कर दिए। और एस टी एम एल में स्लेस लगा देने का मतलब होता है कि अब आपका प्रोग्राम फिक्स हो गया है, यानी जो भी प्रोग्राम होगा इतना बड़ा ही ये प्रोग्राम बना है। इसका मतलब ये एक छोटा सा प्रोग्राम बना कि सोहन और मोहन, सोहन को बोल्ड किया गया और मोहन को इटैलिक किया गया, यानी छोटा सा प्रोग्राम है बेसिक के तौर पे। फिर हम लोग धीरे धीरे प्रोग्राम सीखेंगे, ठीक है। और यही जो प्रोग्राम बना, इसी प्रोग्राम को क्या करेंगे हम लोग नोटपैड के पेज पर सेव करेंगे डॉट एस टी एम एल के साथ। इसके बाद हम लोग इंटरनेट के पेज पर जाएंगे और जिस नाम से इसको सेव किए हैं वो हम वहां पर जाके देखेंगे। तो जब वहां पर देखेंगे ना तो इतना बड़ा वहां पर कुछ नहीं दिखाई देगा, इतना बड़ा वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा, बस दो ही नाम दिखेगा, एक सोहन दिखेगा जो कि बोल्ड में होगा और उसके नीचे मोहन दिखेगा जो कि किसमें होगा, इटैलिक में होगा, बस। इसका मतलब छोटा सा प्रोग्राम बनाने के लिए आपको इतना बड़ा प्रोग्राम बनाना पड़ा। तो इसी तरह क्या है कि जितना भी तरह का डिजाइन करना होता है हर तरह का ये आपको अलग अलग ऐसा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, हमको इंटरनेट के पेज पर ऐसा शो होना चाहिए, जैसे कि एन है, उसके नीचे आई, उसके नीचे सी और उसके नीचे आपके यहां से राजमहल शो होना चाहिए, ठीक है। और राजमहल के नीचे क्या होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, यानी ये जो एन है ये भी आपका बोल्ड में होना चाहिए, आई भी आपका बोल्ड होना चाहिए और सी भी बोल्ड होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, ये तीनों टेक्स्ट आपका क्या होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए। और इसके अलावे जो है एन के नीचे आई शो करे, उसके नीचे शो करे और उसके नीचे राजमहल शो करे, और राजमहल क्या होना चाहिए, सिर्फ आपका जो है अंडरलाइन होना चाहिए, बोल्ड इटैलिक नहीं होना चाहिए, सिर्फ अंडरलाइन होना चाहिए। तो देखिए इसको हम लोग प्रोग्राम पे कैसे बनाते हैं। इसको प्रोग्राम पर बनाने के लिए सबसे पहले आपको तो पता है कि एक आपका एचटीएमएल और दूसरा टाइटल, ये आपको हर प्रोग्राम में आपको लिखना है, नहीं देंगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के लिए हम लोग इसका यूज कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से क्या होगा कि हर प्रोग्राम में आपका क्या होगा कि एचटीएमएल और टाइटल होगा। अब इसके बाद देखिए करना क्या है कि यहाँ से एन को क्या करना है, बोल्ड करना है। तो हम बताएं कि टेक को क्या करेंगे, पहले यूज करेंगे और बाद में क्लोज करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि हम बी टेक का यूज करते हैं, बोल्ड करने के लिए बी टेक का यूज होता है ना, ठीक है। इसके बाद बी से क्या हुआ, बोल्ड हो गया, किसको करना है, एन को ना, तो यहाँ पर एन लिख दिए। इसके बाद क्या करना, आगे किसी को बोल्ड करना है, हाँ करना है, आई को भी करना है, सी को भी करना है, इसका मतलब हम बी को क्या करते हैं, बंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बंद नहीं करेंगे, तो अब इसके बाद क्या है कि उसके नीचे है ना आई, तो यहाँ पर लाइन चेंज करना, तो लाइन चेंज करने के लिए यहाँ से बी आर, फिर यहाँ से आई हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से बी आर क्या करेगा, लाइन चेंज करेगा, फिर यहाँ से क्या दे दिए, सी दे दिए। इसका मतलब एन आई सी तीनों क्या हो गया, ऐसे करके लिखा गया लाइन चेंज होते हुए, और सबके पहले हम क्या लगा दिया, यहाँ से बी लिख दिए। तो बी कर देते एन भी बोल्ड में, आई भी बोल्ड में और सी भी बोल्ड में। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहां से बोल्ड को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो क्योंकि बोल्ड को इसलिए क्लोज करेंगे क्योंकि राजमहल को बोल्ड नहीं करना है, ठीक है, तो बोल्ड बंद हो गया। अब इसके बाद क्या है ना कि लाइन चेंज करना ना, क्योंकि उसके नीचे राजमहल है, तो लाइन चेंज करने के लिए यहां से फिर बी आर, ठीक है। और अब राजमहल लिखेंगे, लेकिन राजमहल को क्या करना है, अंडरलाइन करना है, तो अंडरलाइन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यू टेक, यू लिखेंगे और यहां से राजमहल, ठीक है। और इसके बाद यू को बंद कर देंगे, यहां से बोल्ड को, हाँ बी आर को बंद करेंगे और लास्ट में किसको बंद करेंगे, एस टी एम एल को बंद करेंगे। तो ये ऐसे भी दे सकते हैं आप, और चाहे तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, जो ऐसे लिखे ना, हाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी लिखेंगे और यहां से एन, ठीक है, और यहां से बी को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, इसके बाद हम यहाँ से बी आर से क्या कर देंगे, लाइन चेंज कर देंगे, फिर इसके बाद यहाँ से बोल्ड बी लिखेंगे, आई होगा, फिर यहाँ से बोल्ड को क्या करेंगे, बंद करेंगे,
और यहाँ से फिर बी आर से क्या करेंगे, लाइन चेंज करेंगे, फिर यहाँ से बी लिखेंगे और यहाँ से यू, सॉरी यू नहीं होगा यहाँ पर, ऐसी है ना, तो सी होगा और यहाँ पर क्या करेंगे, बोल्ट को बंद करेंगे और फिर यहाँ से बी आर, ठीक है, और इसके बाद यहाँ से अंडरलाइन देंगे और इसके बाद यहाँ से राजमहल और यहाँ से यू को क्या करेंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा लेंदी हो गया कि बार बार हम क्या कर रहे हैं कि बोर्ड ओपन कर रहे हैं क्लोज कर रहे हैं, बोर्ड ओपन कर रहे हैं क्लोज कर रहे हैं, और इसमें क्या था कि हम एक ही बार में क्या होगा, तीनों एनआईसी को हम कवर कर लिए, ठीक है।